हेलो दोस्तों, एवल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी ममीज मिली हैं, वो ज़्यादातर इजिप्ट देश में मिली है। पर क्या आप जानते हैं एक ऐसी मम्मी के बारे में जो हमारे भारत में मिली है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस चमत्कारी मम्मी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मम्मी की कहानी को। दोस्तों, हमारे भारत में एक छोटा सा गांव स्थित है गुए, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित घाटी के ठंडे रेगिस्तान में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। ये समुद्र तल से लगभग 10,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुए गांव भारत चीन सीमा के करीब मौजूद है। ये गांव बहुत ही सुंदर लोकेशन पर है, जहाँ का नज़ारा सबके लिए मन मोहने वाला है। यहाँ पर टूरिस्ट लोकेशन के लिए तो आते ही हैं, पर साथ ही यहाँ पर आते हैं एक मम्मी को देखने, जो कि इकलौती ऐसी मम्मी है जो नेचुरली प्रिजर्व्ड है, और ये मम्मी बनी भी नेचुरली है। इसमें किसी लेप का इस्तेमाल नहीं किया गया। पहले मम्मी को प्रिजर्व्ड करने के लिए और उन्हें कई सालों तक सुरक्षित रखने के लिए एक लेप का इस्तेमाल किया जाता था, पर इस मम्मी में कोई लेप नहीं मिला। स्थानीय लोग इस मम्मी को देवता का दर्जा देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस मम्मी का संबंध तेंजिन नाम के लामा से है, जिसकी मृत्यु लगभग आधी सेंचुरी से पहले 45 वर्ष की आयु में हुई थी। 1975 के अर्थक्वेक के बाद यहाँ पर निर्माण का काम चल रहा था और ये मम्मी भारत तिब्बत के बॉर्डर के आसपास मिली थी। यहाँ पर एक ताबूत मिला था जिसमें मम्मी थी। बहुत सालों तक इस बात को गुप्त रखा गया कि यहाँ मम्मी मिली है। इस मम्मी पर कई सालों तक रिसर्च की गई और फाइनली 2004 के बाद इस मम्मी की जिम्मेदारी हिमाचल की सरकार ने ली और 2009 में यहाँ की सरकार ने इसे मंदिर में स्थापित कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि जब मम्मी को खुदाई में खोजा गया तो मम्मी के सर पर हल्की चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मम्मी के सर पर से खून निकला था, जो कि मानने वालों के लिए असंभव है। रिसर्च में ये पता चला कि ये मम्मी 550 साल पुरानी है। वैसे तो मम्मी को बनाने में एक खास तरह का लेप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस मम्मी पर ऐसा कोई भी लेप नहीं मिला, क्योंकि ये मम्मी नेचुरली बनी है। आइए अब आपको बताते हैं मम्मीफिकेशन की प्रक्रिया को। दोस्तों, मम्मीफिकेशन यहाँ के गांव की प्रक्रिया नहीं है। पुराने समय में तिब्बती और आसपास के गांव वाले अपने मृतकों को या तो गिद्धों को या फिर मछलियों को समर्पित करते थे। कुछ में दाह संस्कार भी होता था, लेकिन कुछ ऊंची पदवी के साधुओं को, भिक्षुओं को मम्मी बना दिया जाता था और उनके शरीर को मार्गदर्शक के रूप में भक्ति के लिए रख दिया जाता था। लगभग सभी तिब्बत भिक्षुओं को मम्मीफाइड किया जाता था। तिब्बत मम्मीज को नेचुरल माना जाता है, क्योंकि यहाँ की मम्मीज नेचुरली बनती है। इस प्रक्रिया में साधु खुद को भूखे रखते थे और मौत की ओर अपने आप को समर्पित करते थे। इस प्रक्रिया को शोकुशिन बुत्सु भी कहा जाता है, जिसमें साधु भूख से मौत की ओर जाता रहता है। इस प्रक्रिया में कई साल भी लग जाते हैं। ये समय साधुओं का बहुत मुश्किल समय होता है। इस समय साधु जहरीले नट, जड़ों, जड़ी बूटियाँ और पेड़ के रस से जीता है। उसे कई सालों तक यही पीना होता है, जिससे साधु का पूरा शरीर पूरी तरह से सूख जाता है और शरीर से सारी चर्बी घट जाती है। इन जड़ी बूटियों का सिर्फ पेट से चर्बी हटाना ही काम नहीं होता, इसके अलावा ये जड़ी बूटियाँ शरीर को मरने के बाद भी कई सालों तक कीटाणुओं से दूर रखती है। इन सब चीज़ों का सेवन तो किया ही जाता है, साथ ही साधु अपने आप को एक पत्थर के तुंब के अंदर कैद कर लेता है और वो तब तक ध्यान योग में रहता है जब तक उनके प्राण ना निकल जाए। इस तुंब या मकबरे के नीचे एक छोटा पाइप भी डाला जाता है, ताकि साधु को सांस में दिक्कत ना हो। इस मकबरे में एक घंटी भी लगी होती है, जो कि साधु को रोज बजानी होती है। ये घंटी इसलिए लगाई जाती है ताकि मकबरे में रह रहे साधु की मौत का पता लग सके। जिस दिन भी ये घंटी नहीं बजती, ये मान लिया जाता था कि साधु की मृत्यु हो चुकी है, और फिर सांस वाली पाइप को निकाल कर इस तुंब को सील कर दिया जाता था। फिर हजार दिन बाद इस तुंब को खोला जाता था और देखा जाता था कि क्या साधु अपनी तपस्या में सफल हो पाया या नहीं। इस पूरे प्रोसेस में साधु को तभी सफल माना जाता था जब साधु हजार दिन बाद उसी अवस्था में मिले जैसा उसे आखिरी बार तुंब में छोड़ा गया था। अगर ऐसा होता था तो साधु की तपस्या को सफल माना जाता था और पास के मंदिर में उस साधु की पूजा अर्चना की जाती थी। लेकिन अगर साधु की बॉडी उस अवस्था में नहीं मिलती थी, तो ये मान लिया जाता था कि साधु अपनी तपस्या में असफल रहा है और उम्र भर के लिए उसे मकबरे में कैद कर लिया जाता था। ये प्रोसेस बहुत ही मुश्किल है किसी भी साधु के लिए, लेकिन वो उस जमाने में ये प्रोसेस किया करते थे। साथ ही ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है।
तेंजिन की मम्मी आज एक मंदिर में विराजमान है। उसका मुंह खुला है, दांत दिखाई दे रहे हैं और आंखें खोखली है। ऐसी अनोखी मम्मी भारत में शायद ही कहीं डिस्कवर हुई होगी। ये जिस गांव में है वो 100 लोगों की पॉपुलेशन वाला एक छोटा सा गांव है। यहाँ के गाँव वालों की माने तो ये मम्मी उनके लिए भगवान से कम नहीं है। साथ ही ये चमत्कारी भी है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस मम्मी के नेचुरली बाल और नाखून आज भी बढ़ते हैं। कई सोर्सेस के अकॉर्डिंग तेंजिन इस गांव का निवासी ही था और एक बार इस गांव में स्कॉर्पियंस यानी बिच्छुओं का हमला हो गया था। हमले के कारण पूरा गांव रातों रात खाली हो गया, लेकिन तेंजिन इस गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो यहाँ तपस्या में बैठ गए और पूरे अकेले गाँव में बिच्छुओं के बीच अकेले यहाँ लड़ते रहे। कई सालों तक यहाँ बिच्छू थे और कमाल की बात यह है कि स्कॉर्पियंस ने तेंजिन की समाधि को देखकर अपने घुटने टेक दिए और वो इस गांव से चले गए। फिर जब वापस इस गांव में लोग आए तो उन्होंने तेंजिन की बॉडी को तुम में बंद करके दफना दिया। फिर दोबारा जब ये मम्मी डिस्कवर हुई तो लोग इस मम्मी को पूजने लगे। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।